हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंगीज कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए ये फ्रिज क्लीनिंग लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रिज कितना गंदा हो गया है। फ्रिज को अब हम सिर्फ एक ही चीज़ से हम साफ़ करेंगे और उसमें से जा रहे जो बदबू है उसे भी निकालेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बिना स्किप किए। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना काला और पीला पड़ गया है फ्रिज। चलिए अब हम इसको साफ करेंगे और ज़्यादा देर ना किए हुए। तो वीडियो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ फ्रिज साफ़ करने के लिए। तो ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे ना, फ्रिज को बंद कर देंगे। बिना बंद किए फ्रिज को चलाकर फ्रिज को साफ़ मत कीजिएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं ली हूँ ये जो खाना सोडा, जो कि हमारे सारे घर में अवेलेबल होता है, सबके घर में अच्छे से मिल जाता है। तो ये देखिए, अब मैं चारों ओर खाना सोडा को डाल देंगे और फिर हम इसे साफ़ करेंगे। तो आपका अगर फ्रिज ज़्यादा बदबू हो रहा होगा, आ रहा होगा ना, तो आप इसे खाना सोडा को डाल दीजिएगा और इसे 20-25 मिनट के लिए इसे बंद कर दीजिएगा, ताकि जो खुशबू है वो खाना सोडा का खुशबू इसमें अंदर रह जाए और सारा बदबू निकल जाए। तो ये देखिए, अब मैं लेके आ गई हूँ ये जो स्कॉच ब्राइट, और स्कॉच ब्राइट में मैं विम बार थोड़ा सा लगा ली हूँ। और ये जो हम डाले थे ना खाना सोडा, अब हम इसमें अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लेंगे इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, खाना सोडा से अच्छे से क्लीन हो जाता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कितना गंदा हो गया था, ये नीचे का ट्रे भी निकाल ली हूँ मैं, और इसे भी अब हम साफ़ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे अच्छे से साफ़ हो गया है और बहुत ही क्लीन हो गया है नीचे का भाग भी। अब हम चारों ओर इस प्रकार साफ़ कर लेंगे और अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल। और ये जो साइड का मैंने ये देखिए साफ़ कर रही हूँ, मैं एक ले ली हूँ ब्रश। आप चाहे तो ब्रश के बदले जो तार वाला आता है बर्तन साफ़ करने का, वो भी ले सकते हैं, उसमें भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और ये मैं ले ली हूँ थोड़ा सा ऐसे ही विम बार और थोड़ा सा खाना सोडा इसमें भी डाल दी हूँ। और इसे अब हम इसे अच्छे से इसी प्रकार रगड़ के थोड़ा साफ़ कर लेंगे, ताकि जो काला बंद दाग है ना इसमें से वो निकल जाए अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो ट्रे है वो भी निकाल लेंगे इस प्रकार। और अब इस साइड भी देखिए कितना गंदा हुआ है, और इसे भी अब हम साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में लेंगे और थोड़ा सा खाना सोडा और सारा और जो साइड में जो निकाले थे जो प्लेट, उसे भी अब हम उसी ट्रे में थोड़ा थोड़ा डाल लेंगे। और इसे अब मैं बेसिन में साफ करके ले आऊँगी, विम बार और खाना सोडा मिला के अच्छे से हम इसे साफ करके ले आती हूँ। और ये देखिए, ये अंदर का तो हो गया था साफ, अब मैं बाहर भी साफ़ कर लेती हूँ। बाहर भी बहुत ही गंदा हुआ है देखिए आप लोग। और उसी स्क्रच बाइट में मैं थोड़ा सा फिर खाना सोडा और विम बार लेके आई थी, अब हम इसे भी साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार हम साफ़ कर लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से रगड़िएगा नहीं तो फ्रिज स्क्रैच हो जाएगा और साफ़ करते करते आपका फ्रिज ख़राब भी हो जाएगा, लोग उसका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, नीचे और ऊपर का भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए साफ़ हो गया है अच्छे से, और साइड का भी हम इसी प्रकार साफ़ कर लेंगे। अब ये हो गया है, अब ले लेंगे हम इस तरह कॉटन का कपड़ा, और इसे अब हम थोड़ा सा गीला करके मैं ले आई हूँ, और इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। देखिए कितना ग्लेज कर रहा है ना फ्रिज हमारा, बिल्कुल नया जैसा दिख रहा है ना। तो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रिज अब हम ऐसे ही एक गीला कपड़े में पोंछ लेंगे। तो फ्रेंड्स, चाहे जितना गंदा हो फ्रिज या चाहे जो भी सामान, अब जब साफ कर लेते हैं तो कितना खुशी होता है हमें। और ये देखिए फ्रिज जब खोली, तो ये देखिए
फ्रीजर में जब जो बर्फ़ जमा था वो पिघल के इस प्रकार यहाँ पर आके जम गया है। तो ये देखिए, ये मेरा सिंगल डोर फ्रिज है ना, इसीलिए इस प्रकार हो गया था। अब इसे भी हम साफ़ कर लेंगे और अच्छे से एक पैनल अच्छे से साफ़ कर लेंगे पूरा फ्रिज और अंदर और बाहर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो गया है और कितना साफ़ हो गया है, कितना क्लीन क्लीन दिख रहा है। मैं तो खुशी से पूरा झूम गई। तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे ना, ये जो चारों साइड में जो निकाल लिए थे प्लेट ट्रे को, उसको इसमें फिट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अब फ्रिज में सारा ट्रे व्रे लगा ली हूँ। अब चलिए सारा जो सामान है उसमें भी इसे सेट कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे सारा सामान। और ये बाहर भी देखिए कितना अच्छा हो गया है, बाहर भी बहुत ही साफ़ हो गया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें अब सारा सामान सेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सेट कर ली हूँ, ये देखिए कुछ वेजिटेबल्स और खाने का चीज़, और यहाँ पर मैं सारा मसाला भी रखती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको दबा के ऑल ऑप्शन को चूज कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।